क्लेरीबिट 500 mg टैबलेट, अगर बात करूं इसके यूज के बारे में, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा होती है। इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर डॉक्टर्स का इस्तेमाल फेफड़े में हो रहे इन्फेक्शन या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ हो, फेफड़े में इन्फेक्शन हो या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है। अगर बात करूं इनके कंपनी के बारे में, तो ये एबॉट कंपनी की दवा है और एबॉट का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, मतलब ये कंपनी कुछ समय तक रैंक नंबर 1 की थी, मतलब क्वालिटी वाइज ये एक्सीलेंट होती है, इस पर हम डाउट नहीं कर सकते। अगर बात करूं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि आपने दवा खाई या आपके शरीर में जाने के बाद किस तरीके से काम करेगी, तो इसकी जो मेन दवा होती है वो होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब जब बैक्टीरिया को जो बढ़ने के लिए, जो ग्रो करने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये उसको बनने नहीं देती है और इसके वजह से बैक्टीरिया धीरे करके मर जाता है और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। अगर बात करूं इसके डोज के बारे में, तो डॉक्टर्स इसके डोज को पेशेंट को देख करके मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इसका इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद किया जाता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि कुछ कुछ पेशेंट को इसको खाने के बाद इनसोम्निया, यानी कि नींद ना आने की शिकायत होती है। इसके अलावा कुछ कुछ पेशेंट का टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब उनका जुबान का जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा मेटेलिक हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट नाजिया, वोमिटिंग वगैरह की शिकायत भी कर सकते हैं। अगर बात करूं इसके यूज इन प्रेगनेंसी के बारे में, तो बिना डॉक्टर से पूछे इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना है। अगर बात करूं इसको खाने के बाद गाड़ी ड्राइव या राइड करने के बारे में, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी ड्राइव या राइड ना करें, क्योंकि ये आपके अलर्टनेस को थोड़ा कम करती है, तो दिक्कत हो सकती है। बात करूं इसके MRP के बारे में, तो ये आपको मार्केट में 446 रुपए की एक स्ट्रिप मिल जाती है, एक टैबलेट लगभग 44 रुपए की आपको कॉस्ट करती है। तो ये तो था इस दवा के बारे में वो सब कुछ जो आपको बताना जरूरी था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर, टू द पॉइंट रही हो। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।